डर लगता है। हाँ इसमें ये कुछ डालता जरूर है यार, जब इतने लोग आते हैं मुझे लगता है कोई हीरोइन वीरोइन डालता ही है। ओए ओए भाई हो हो Assalamualaikum guys, welcome back to new vlog। आज हम आए हुए कावा की तरफ, मतलब यहाँ चाय भी मिलती है, काफ़ी चीज़ें पराठा चाय, लेकिन यहाँ का कावा ना बहुत ही मशहूर है। यहाँ की रश देखो कितना रश है यहाँ पर, और काफ़ी ज़्यादा लोग ना कावा ही पीने आए हुए, चाय लवर भी अपनी तरफ लेकिन कावा ही पीने आए हुए, हम भी कावा ही इधर पीने आए हुए। और ये काफ़ी मज़े का कावा होता है, अभी ज़रा पी के हमें रिकमेंड किया है चैन भाई ने, बोला कि काफ़ी मज़े का होता है, ज़रा हम पी के बताएँगे कैसा कावा है और किस टाइप का किस तरीके से बना रहे हैं, ये सब चल के आपको सीन दिखाएंगे। और यहाँ की रश देख के आप अंदाज़ा लगा चुके होंगे कितना ज़बरदस्त यहाँ कावा चाय और पराठा होगा। चेक करें आप रश भाई, यहाँ की हिस्ट्री हमें थोड़ी मालूम नहीं है, तो हुसैन भाई काफ़ी पुराने यहाँ के मकामी हैं, मकामी कस्टमर जो भी कह सकते हैं। तो हुसैन भाई ये सबसे VIP मतलब क्या चक्कर है जो इतना रश होता है रेस्टोरेंट में? पुराना बहुत है, उसके बाद ये 24/7 सर्विस है कि आप सुबह 6 बजे आएँ या रात को 4 बजे आएँगे तो मेरे को इसके बाद रश यही होगा। और अभी देख रहे हैं सारी मार्केट अभी तो बंद हुए, यही बात है। ये कौन सी मार्केट है भाई? यही मार्केट है, यही चाय जानते हैं, चाय और कावा, ये दो चीज़ें। और मैं पराठा पराठा होता है आपको पता है, टिपिकल होता है। हाँ आलू पराठा भी 80 रुपये यहाँ लिखा हुआ है मैंने देखा, और यही खास बात है। हाँ ये कावा ज़रूर आपको कावा से ट्राई करके बताएँ कावा यहाँ का कैसा है। ज़रा अभी मामा का ऑर्डर देते हैं और इसको बोलते हैं कि VIP कावा लगा। आप अंदर से भी होटल दिखाइए, अंदर से भी दिखाएंगे, आप टेंशन नहीं। बिल्कुल फ्रेश भाई, ये क्या है खान? चेक करें आप कावा में, कावा है काफ़ी ज़बरदस्त लग रहे हैं देखने में तो। भाई हमारे शाहजी साहब है स्पेशल, सबसे स्पेशल चाय और कावा वाले भाई, 24 घंटे भाई ये होटल खुला रहता है। इनको प्यार से कहते हैं शाहजी, शाहजी कहते हैं ना आपको प्यार से? होटल का नाम शाहजी है तो हम भी शाह साहब कह देंगे। तो शाह साहब ये कितना पुराना होटल है? 22 साल से आप ही चला रहे हो इसे होटल को? 10 साल पहले का। अच्छा मतलब कम से कम 30 साल से ऊपर की कहानी है भाई। और ये चाय का मतलब जायका 30 साल पुराना है और इसलिए इतना रोज लोग रश से पागल हुए हैं। 10 साल से आया हुआ इसलिए लोग पागल हुए भाई। शाह साहब के हाथ की चाय पी के ना लोग पागल हुए। ये होटल तो 30 साल पुराना है लेकिन ना रश जो है वो शाह साहब की वजह से। ये शाह साहब चाय में आप क्या मिला रहे हो, लोग पागलों की तरह यहाँ आ रहे हैं चाय पीने, मतलब क्या चक्कर है ये? अच्छा इसमें आप क्या मेहनत करते हो, इसकी खास बात तो बताओ लोगों को। चावल तो हम पत्ती वो इस्तेमाल करते हैं जो पूरा कराची में ये वाला पत्ती, इससे अच्छा पत्ती हो नहीं सकता है। अच्छा दूसरा बात ये ना, हम चार से दूध लेते हैं, ये दोनों अगर अच्छा मिले ना उसके बाद चाय का जायका अच्छा रहेगा। सही बात। और ये कावे का क्या सीन है, लोगों के पास कावा होता नहीं, आपने कावा रखा हुआ है वो भी मशहूर चल रहा है, कावे के दीवाने चाय के दीवाने। इतना मुश्किल बात नहीं है, इतना मुश्किल चीज़ है, आम चीज़ है, अभी लोग हर बंदा कावे को जानते हैं, कावे की जायके को पहचानता है। सही बात है, जिससे अच्छा लगता है वो पीता है। ओए भाई ये स्टाइल है भाई इनका बहुत ज़्यादा यार। और चाय का एक कप क्या हिसाब है? 40 रुपए के गोल्डन चाय जो है वो 60 रुपए का। गोल्डन चाय नाम रखा है? हाँ चेक करें आप यहाँ गोल्डन चाय। ओए ओए भाई ऐसे ख़त्म हो रही है जैसे फ्री में दे रहा हूँ।
और ये आपका एड्रेस क्या है? जुबली ओटी मार्केट में। भाई पहुंच जाओ गोल्डन चाय पीने के साथ आपसे। एक इधर भाई चेक कराएंगे कावा। ओए ओए भाई काफी खूबसूरत कप में डाला। ओए ओए भाई ओहो पूरा ये देखें अदरक ये सब कुछ इलायची लौंग वोंग सब कुछ। ये कितने रुपए में? ये 40 रुपए का कप है। जरा टेस्ट करके बताओ कहता है। हाँ हाँ फ्रेश फ्रेशमेंट फील हो रही है थोड़ी। जो भी खाया था बादाम कर देगा। बहुत आला यार हर्बल डली में। बहुत ज़बरदस्त भाई चाय साहब का बनाने का तरीका भी ज़बरदस्त था। ये भाई हम यहाँ चाय देखा तो हमने सोचा किसी कस्टमर से रिव्यू ले लूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? फारूक गद्दर। अच्छा तो आपने मतलब यहाँ रेस्टोरेंट में इतना रश है कैफे में मतलब क्या सीन है यहाँ का क्या चक्कर है? जो मुझे कोई इसकी चाय में चक्कर लगता है। हाँ इसमें ये कुछ डालता जरूर है यार। जब इतने लोग आते हैं मुझे लगता है कोई हीरोइन वीरोइन डालता ही है। अच्छा चाय लोग इतनी चलती है कि लोग गरीब गरीब वालों को भूल गए। हाँ हाँ इसमें मुझे कोई शक है कि ये कोयटा से या बलोचिस्तान से कहीं से ये कोई चीज़ लाते और चाय में डालता है। अच्छा आपको पक्का शक है? नशा है। हाँ पक्का नशा है भाई इसके बगैर तो गुजारा नहीं है। खाने के बाद घर की चाय तो हमने अपने घर वालों को बोल दिया बना नहीं छोड़ दो यही पीते हैं। हाँ मतलब इसमें ऐसी क्या नशा डाला हुआ है आपको समझ आई? मत पूछो यार इसकी चाय में तो भूखा ये देखो ना ये हलवा पूरी की औलाद इन लोगों ने कुछ जाना है लोगों ने। ये नसवार की पूरी को देखो ना ये नसवार की पूरी ये लोग कोई चीज़ डालते हैं भंग वगैरह डालते हैं जो वहीं मिलती है अफगानिस्तान में। अफीम मुझे लग रहा है ये अफीम वगैरह ये कोई चीज़ डालते हैं। ये 60 रुपये में अफीम डालते होंगे इनको बचता क्या होगा यार भाई अफीम इसको तो फ्री इनके तो झाड़ लगे हुए आम के झाड़ होते हैं इनके अपने लगे हुए खरीदते थोड़ी है। ये देखो ना इसका मुँह भी अफीम जैसा हो रहा है। माशाल्लाह वीआईपी आप चाहेंगे लोग आगे ट्राई करें चाय ट्राई करें मैं कह रहा हूँ बहुत मजा आएगा। अच्छा बहुत मजे की चाय करो 40 रुपए की चाय है लेकिन बहुत वीआईपी है। और आप ये कब से पी रहे हैं? अरे आप यकीन करें इनकी चाय तो ये तो ये पुरानी होटल लेकिन चाय जो इनकी सेट हुई है वो कम से कम 5-6 साल हो गए। अच्छा इन्होंने चाय वीआईपी कर दी सही अफीम मल्ला अगर 6 साल पहले खरीदने लगे ये कोयटा से कुछ ना कुछ लाते और इसके अंदर डालते हैं। अच्छा देखो ना ये खड़े हुए सारे पठान के मुंह वाले सही बात है तो ये भाई लोग बहुत अच्छे बनाते हैं। सही बात बेहतरीन भाई चाय तो बस सुप्रीम। थैंक यू सो मच अंकल आपकी मेहरबानी बहुत बहुत। और सुना है कि आप भी YouTube वगैरह इस्तेमाल करें चला रहे YouTube चैनल है अंकल दी वाइस। अच्छा आप वो खोलोगे पता चल जाएगा कि हमारा कैसा चैनल है कैसी वीडियो आती है क्या आता है क्या काम है क्या काम है सारे मसले मसाले हम इस तरह ही बता। सही बात है तो अभी आप घर जाके इसके फार्म फूड को सब्सक्राइब करेंगे नहीं करेंगे? इंशाल्लाह बिल्कुल करेंगे। चले थैंक यू सो मच अंकल खुदा हाफिज़ अल्लाह रश तो चेक करें आप और भाई ये खान साहब कुछ बता रहे थे। खान साहब आप क्या कह रहे थे बर्तन के मामले में कुछ? हमारा बर्तन जितने वो सारे तांबे के हैं पंजले का दूध हो जाए पंजला हो गया दूध का बड़ा पंजिला छोटा पंजिला ये जो हम जिसमें शहर का होता है। काफ़ी गर्मी है और रोड के बिल्कुल बाद बैठे हुए काफ़ी रश है होटल में और काफ़ी बढ़िया कावा था आपके भाई ने पूरा कावा 2-3 मिनट में पूरा कावा ख़त्म कर दिया गरम गरम मैं रिव्यू देना गरम पूरा तो उसके लिए माजरत चाचा बड़े मजा किया जाएगा जरा घूम कर काफ़ी मज़ा आया मुझे पूरे अपने यूट्यूब की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इंटरव्यू करने में चाचा के साथ मज़ा आया फारूक भाई नाम है और इसका चैनल भी है पूरी टीम है बहुत बड़ी आपसे डिवाइस करके है तो वो भी ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप सबकी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया तो आज 2000 सब्सक्राइबर भी हो गए तो इसी तरह अगर बढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह 1.5K का प्ले बटन भी घर लेकर आएंगे और हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें कमेंट में ज़रूर बताएँ आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगती है और जो जो हमसे गलतियाँ होती है वो गलतियाँ तो
थोड़ी साइड में करके माजरत करता हूँ उसके लिए, और इंशाल्लाह आगे आगे जैसे ही जाते जाएंगे गलतियाँ भी सारी प्रॉपर सही करते जाएंगे। तो अभी दीजिए मैं इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफ़िज़।